हमीरपुर के नादौन उपमंडल की पिछड़ी पंचायत कश्मीर के टहली गांव में हिमाचल पथ परिवहन निगम के उपाध्यक्ष व पूर्व विधायक विजय अग्निहोत्री का भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर चार दर्जन के करीब लोगों ने कांग्रेस का साथ छोड़ भाजपा का दामन थामा। पूर्व उपाध्यक्ष ने इस मौके पर HRTC के उपाध्यक्ष विजय अग्निहोत्री ने दाड़ गाँव में 3 लाख से बने महिला मंडल भवन का लोकार्पण भी किया। इस मौके पर टहली गांव में जनसभा को संबोधित करते हुए विजय अग्निहोत्री ने कहा कि भाजपा हमेशा सबका साथ सबका विकास फॉर्मूले पर काम करती है। कांग्रेस की तरह सत्ता सुख नहीं भोगती है और ना ही झूठ की राजनीति करती है। उन्होंने कहा कि जब से केंद्र में मोदी के नेतृत्व में भाजपा सत्तासीन हुई है, पिछले 4.5 वर्षों में एक भी भ्रष्टाचार का मामला सामने नहीं आया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस को ये रास नहीं आ रहा था, इसलिए राफेल मुद्दे को लेकर कांग्रेस जनता को झूठ का सहारा लेकर गुमराह कर रही है, जबकि देश के शीर्ष अदालत सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर सरकार को क्लीन चिट दे दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को सत्ता की भूख इतनी हावी हो चुकी है कि कांग्रेस सदियों से अपने कई धुर विरोधियों के साथ मिलकर गठबंधन बनाकर देश की जनता को ठगने का प्रयास कर रही है, मगर देश की जनता 2019 में कांग्रेस को एक बार फिर धूल चटाएगी। इस मौके पर विजय अग्निहोत्री ने जहां लोगों की जन समस्याएं सुनी, वहीं नवनिर्मित भवन का उद्घाटन भी किया।